गुड मॉर्निंग साथियों, सत श्री अकाल, आ जाए जल्दी से। आप सभी कैसे हैं? आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, कक्षा 8 की एनसीईआरटी मैथ हम लोग देखेंगे, पार्ट नंबर होगी 52। आज कोई माइक्रोफोन कोई तामझाम नहीं लगाया, आवाज थोड़ा कम होगी, मैनेज कर लीजिएगा, और तेज करके सुनोगे वॉल्यूम तो अच्छा सुनाई पड़ेगा। चलिए, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, पूरा देखना क्लास को। जैसे पहला एग्जांपल इसमें दिया गया है, क्वेश्चन 0.00085, मतलब कितना बार जीरो है पता है? 11 बार जीरो है, 11 बार जीरो है, और फिर 85 है। इस तरह की संख्याओं को क्या करते हैं साथियों, पहले तो इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे, मतलब जो 85 है उसको हम लिख लेंगे, इसके पहले चाहे जीरो लिख लो कोई मतलब नहीं है, दशमलव हटाएंगे कुल मिला करके। दशमलव हटाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर 11 ये जीरो है और 2 ये है, मतलब नीचे 1 के बाद 13 जीरो आएगा, 13, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है। अब क्या करोगे अब साथियों, इसको आप लिख सकते हो 85/10^13, इतना ठीक है ना? इसमें कोई मुसीबत नहीं ना, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अभी इसमें एक स्टेप और बचा है, वो क्या है उसको भी देख लेना। प्रिय मित्रों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि दशमलव के बाईं तरफ केवल एक अंक हो, दशमलव के बाईं तरफ केवल एक अंक हो, मतलब इसे हम ऐसे करेंगे 8.5/10^13 जो 13 था वो 13 वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर आप एक दशमलव इधर बढ़ा लोगे मतलब बीच में, तो इसमें 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। हाँ, सिंपल सी बात है, इधर देखना, थोड़ा सा छोटी सी बात इधर नीचे समझ लीजिए, बीच में ये यहाँ पर, चाहे तो आप 85 लिखिए और चाहे आप इसी को 8.5/10 लिखिए, दोनों का मतलब एक है हुआ। कैसे, देखो इधर अगर इसका गुणा करोगे तो 850 हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव लगेगा तो क्या आएगा, फिर से तो वही 85 आ जाएगा ना, 85। तो मतलब इसका आप समझ गए होंगे, चाहे आप उसको ऐसे लिखो 85 सिंपल वाला, चाहे इसको पॉइंट लगा के आप 10 से मल्टीपल कर दो, मतलब एक है हुआ। तो इस तरह से हम इसको इतना कर सकते हैं। अब ये घात जो 13 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एक घात ये इसमें से घट जाएगा, तो साथियों ये हो जाएगा 8.5/10^1 और ये माइनस का 13, तो इक्वल 8.5/10^-12। ये आपका आ गया क्या, ये फाइनल आंसर आ गया आपका। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस दिए गए 0.00000085 तमाम बार जीरो वाले का। जल्दी से नोट कर लो, तुरंत छाप लो फट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, कोशिश करना, बहुत आसान है, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना। इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा सवाल गौर करना, 0.00037 2, इसको हम क्या करेंगे, 372 लिख करके, और देखिए साथियों दशमलव के दाहिनी साइड 6 अंक हैं, 6 डिजिट है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 6 जीरो बढ़ा दोगे, कितना जीरो बढ़ाओगे, 6 जीरो बढ़ाओगे। अरे जी वैसे सिंपल सी बात है, जैसे 0.85 अगर लिखा हो तो इसे हम 85/100 लिखेंगे, लिखेंगे ना, मतलब जितना अंक पर दशमलव है नीचे उतना जीरो बढ़ाना है, तो यहाँ 6 अंक पर था तो नीचे 6 जीरो बढ़ा, वहां 13 अंक पर था तो 13 बढ़ा था। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसे 32/10^6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लेकिन इतना ही नहीं, दशमलव के बाईं साइड सिर्फ एक अंक होना चाहिए, यहां पर अभी ये तो पूरा पूरा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3.2/10 और ये 10^6, इतना बात पक्की ना, देखते जाना, 3.2/10^1 है,
कुछ नहीं होता तो वन माना जाता है, अगर जीरो मान लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, घात जीरो नहीं होती कभी नहीं तो एक हो जाएगा उसका मान, और ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, आप जानते हो है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस का सिक्स, यानी कि फाइनल में आपका 3.2 × 10⁻⁵ आएगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए, लेकिन हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ये। ओ एक मिनट, ये 372 था ना, हमने यहाँ पर 32 कैसे लिख दिया, इसको पूरा पूरा लिखो ना जी, 372, ये 372, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है आपको, ये 372 रहेगा साथियों, यहाँ पर दशमलव आप दो अंक इधर भेजोगे, दो अंक भेजोगे तो यहाँ दो बार जीरो रहेगा, और फिर क्या होगा यहाँ वन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा टू होगा, और जो सिक्स से टू सबट्रैक्ट होगा तो ये फाइव की जगह पर माइनस का फोर आएगा। अब सब पक्का बात है, लिख लो जल्दी से, लेकिन एक काम गड़बड़ था, वो क्या, ये हमने आगे वाला नंबर नहीं सही किया था, ये देखो 372 ना, और ये भी क्या हो जाएगा 3.72। बस अब नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी करिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत जल्दी करें, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है। क्लास का टाइम याद रखें, अभी सुबह 5 बजे है, इस क्लास को हम सुबह 9 बजे या रात्रि 9 बजे करने वाले हैं, आप अपने विचार को कमेंट जरूर करिएगा कि आप कितना बजे इसको लाइव देख सकते हो अच्छी तरह से, क्योंकि सुबह 5 बजे आप सभी सो के नहीं उठते हो, या फिर 5 बजे अच्छा रहेगा ये भी बताना, अगर सुबह 5 बजे ठीक है तब भी बताना। तरीका तो हमने बता दिया, ये होमवर्क है, जल्दी से लिख लो, तुरंत फट से होमवर्क नोट करिए, घर पर ट्राई करना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करनाओं का पार नहीं होती, जल्दी से नोट कर लीजिए तुरंत। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, क्लास ज्वाइन करना है तो इंक्वायरी कर सकते हो। एक बात ध्यान रहे, व्हाट्सएप पर कोई भी क्लास नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप पर सिर्फ पेमेंट वालों को क्लास मिलती है, बाकी फ्री की क्लास आप यूट्यूब से देखते रहो, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं करेगा, जिसको क्लास ज्वाइन करना है कंप्लीट पढ़ना है वो व्हाट्सएप पे संपर्क करेगा। साथियों अगला सवाल देखना, थोड़ा सा अलग है, कह रहा कि इसको सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, सामान्य रूप में मतलब जैसे अभी तक आपने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे थे ना, तो वैसे अब क्या करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो दिया गया है इसे सामान्य रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान देना, पहले दशमलव हटाएंगे और फिर घातों का हिसाब कर देंगे, तो साथियों यहां से आप दशमलव पहले हटा लो, तो दशमलव हटाओगे तो ये 302 हो जाएगा, और फिर नीचे दो अंक पर दशमलव था इसलिए दो जीरो बढ़ जाएगा, गुणा में 10⁻⁶ था वैसे लिख लिया जाएगा कोई बिना बदलाव के। अब ये फाइनल में आपका हो गया 302, नीचे 10⁻² और ये 10⁻⁶, इतना बात सभी को पक्की है ना, इसमें कोई आफत नहीं ना, ठीक। अब देखना क्या होगा, देखिए अब ये घात जो है नीचे आ जाएगी क्योंकि हमें इसे सामान्य रूप में बनाना है, क्या करना है सामान्य रूप में बनाना है, तो साथियों ये कुल मिलाकर के फाइनल में आपका क्या हो जाएगा 302, और ये 10⁻² जो 2 था इसको लिख लो, और इंटू 10⁻⁶, ये बराबर के इधर है, ये घात माइनस में थी ऊपर थी नीचे आ गई तो प्लस में हो गई। अब यहां ये चीज देखो ध्यान से, इतना ये 6 घात और ये 2 घात जुड़ जाएगी मतलब 8 घात हो जाएगी, तो कहने का ये मतलब है कि 302 के नीचे 8 जीरो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 8 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब अब 8 अंक पर दशमलव लगेगा, कितने अंक पर 8 अंक पर लगेगा, 3 अंक हमारे पास है और 5 अंक हम क्या करेंगे खुद से बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखना, ये 302 हमारे पास है, हमें 8 अंक पर दशमलव बढ़ाना है, चूंकि नीचे 8 जीरो है तो हम इसके आगे 5 जीरो लगा लेंगे, ये बात समझ में आई, इस तरह से आपका क्या हो गया, ये हो गया 0. और 5 बार 0 और 302, ये क्या हो गया इसका सामान्य रूप हो गया, बात समझ में आई। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए, मानक रूप पूछा जाए,
तो फिर हल करके उल्टा चलेंगे, फिर ये आ जाएगा। इतना बात क्लियर हुई ना? मतलब मानक रूप से सामान्य रूप में और सामान्य रूप से मानक रूप में बदलना आप सीख गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल बहुत ही गौर से देखना, बहुत ही प्यार से देखना, समझ में आएगा। ये देखो सामने लिखा है ना, ये दूसरा क्वेश्चन इसी में का देखो, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका आपको बता दें। साथियों यहाँ पर दशमलव लगा है ना, तो दशमलव लगा रहने दो, इसमें कौन सी बुराई है, जाने दो, ऐसे रहने दे, ठीक। लेकिन एक मुसीबत हो जाएगी अगर लगा रहेगा तो, लगा रहने देते हैं, जाने दो। चलो 4.5 × ये 10^4 का मतलब हुआ ये, ठीक। इसमें गुणा करोगे तो 45 के बाद ये 4 0 आ जाएंगे, और एक अंक पर दशमलव था तो एक अंक यहाँ चला जाएगा। मतलब कहाँ लग जाएगा अब ये, 45 पे है ना, यानी कि 45,000 आपका आ गया फाइनल में। कितना आ गया, 45,000। बट ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 45 × 10^3। बात समझ में आई ना? इसका भी मतलब वही हुआ 45,000। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए तुरंत। विंडो प्लस SCRT बटन होती है ना उसमें, लैपटॉप में F12 के बगल में विंडो बटन दबाना है, उसके बाद F12 के बगल की जो दाहिनी साइड की बटन है, F12 के दाहिनी साइड की बटन, उसको और विंडो बटन एक साथ दबाना, तो लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर नहीं पता चला अभी भी तो आप कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। और साथियों इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, जहां पर आप देख रहे हैं इसको तो करेंगे ही, साथ साथ पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल सभी सेवाएं फ्री लेकर के आता है, ठीक ना। और अगर आपको भी कंप्लीट मैथ सीखना है तो आप एक टाइम फिक्स कर लें क्लास देखने का, और पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पर आपकी सारी क्लास आपको टोटल फ्री मिल रही है। अगर आप व्हाट्सएप पर क्लास चाहते हैं, स्पेशल VIP व्यवस्था, मतलब यूट्यूब पे खोजने का झंझट ना रहे, नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, तो आप वहां पर सारी क्लास व्हाट्सएप पे पा सकते हैं। इसके लिए आपको कक्षा 8 तक की मैथ के लिए मात्र 549 का पेमेंट करना होगा, सिर्फ 549 का। व्हाट्सएप पे आप सारी क्लास मंगा सकते हैं, ये विशेष सुविधा जो लोग लेना चाहते हैं वही कर सकते हैं, बाकी आप YouTube से फ्री देख सकते हैं, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना। अगला देखना, हाँ ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर नंबर दिया गया है, आप उस पर चैटिंग कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, उस नंबर पर कोई क्लास नहीं मिलेगी आपको, नहीं तो आप कहो कि व्हाट्सएप पे सारा वीडियो भेज दो भाई, सभी आदेश देने लगो, तो ऐसा नहीं होगा, जो ज्वाइन करेंगे उन्हीं को मिलेगा। अब क्या होगा देखते हैं, ये घात 9 है ना साथियों, इसका मतलब क्या हुआ, 9 घात है मतलब ये 9 बार 0, 4 बार हो गया, 8 बार 9 बार, गुणा कर लो सभी का, देखते हैं क्या होता। फिर देखो भाई सिंपल सी बात है, इसका गुणा करोगे तो ये 3 बार 0 और 1, इसके बाद ये 9 0 आएगा, ये 4 5 8 9, दशमलव था 4 अंक पर, 4 अंक पर था ना, इधर से 4 अंक निकाल दोगे गिन करके, मतलब इतना निकल गया, कितना बच रहा है, 5 0 बच रहा है ना, 5 0, तो ये फाइनल में 1 0 0, 1 × 10^5 क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आई ना, ये आंसर आ गया आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, ये जनरल रूप है, मतलब एक प्रकार से जनरल फॉर्म में आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर दिया गया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। तो इस क्लास के बारे में अपने विचार कमेंट करिएगा। माइक्रोफोन हमने नया ऑर्डर कर दिया है, जल्दी ही नया माइक्रोफोन आपके लिए आ जाएगा, उसके बाद आप बिना टेंशन के आवाज अच्छी क्वालिटी में देख पाएंगे, वैसे भी वॉइस कम नहीं होगी। तो साथियों चलते चलते आपको बता दें, जो स्टूडेंट हमसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं क्लास के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, आप इन नंबरों पर फोन कॉल करके, फोन कॉल करने का समय जान लें दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच,
दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आप तीनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं किसी भी प्रकार की क्लास से संबंधित। ठीक, अगर सारी क्लास आप व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, बेसिक क्लास कक्षा 8 तक कंप्लीट मैथ मात्र 549 के पेमेंट पर आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पा सकते हैं। अगर यूट्यूब पर देखना है तो कोई पेमेंट नहीं करना, यूट्यूब पर जो मिल रही देखते रहो, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, बिल्कुल फ्री क्लास है यूट्यूब पर। ठीक ना, पीबीआर स्टडी की सारी क्लास यूट्यूब पर फ्री कर दिया गया है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हो या टेलीग्राम पर चाहते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। दूसरी बात, टेलीग्राम पर हमारी बहुत सारी क्लासें फ्री मिलती हैं आपको, तो आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। पीबीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4,000 लगभग लोग जल्दी ही जुड़ने वाले हैं, आप भी जुड़ जाएं, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस नंबर पर अपना नाम लिख करके भेजें और आपको टेलीग्राम चैनल में जोड़ दिया जाएगा। चलते हैं फिर, जय हिंद। अगली क्लास के लिए बस थोड़ा सा इंतजार, मिलते हैं 6 बजे से। डीएलएड का बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास होगी जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर और लाभांश। क्या पढ़ेंगे? शेयर और लाभांश, जरूर देखना सुबह 6 बजे से। साथियों चलते चलते, अगर इस क्लास को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पीबीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अभी तुरंत लाइक करके फॉलो कर लें। अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको सभी फ्री क्लास सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।